कैन का पानी इसको भी टेस्ट करना, आधा पानी एक ग्लास में किए, आधा इसमें बॉटल में डाल दिए। तो सादा पानी है कैन में जो आता है जी जी, का ही है प्योरीफाइड वाटर ही है। बस ये पानी जैसे बॉटल में डाले इसको दो बार सेक कर दिए, ये पानी अल्कलाइन हो गया। ये बॉटल के अंदर जो सेरामिक बॉल्स रहते वो पानी उसको पानी से रिएक्शन करके उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। अभी मेन मेन क्या होता है, अपना पानी में पीएच ज़्यादा चाहिए अपने को, ये अपना 7 पीएच नॉर्मल होता है, 7 से कम है तो एसिडिक हो गया, 7 से ऊपर है तो अल्कलाइन होता है। अब इसके दो टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक तो अल्कलाइन का एक ORP का। ये अल्कलाइन में ये पीएच टेस्टर है, ये 2-3 बूंद डालते हैं इसमें और किसी चीज़ से सेक कर देंगे। देखो इसका पानी का कलर जिससे मैच करेगा, ये अभी 6 पीएच का पानी है, 6 पीएच का पानी। और दूसरी टेस्ट रहती है ORP की। ORP कैसा रहता है, ये अगर पॉजिटिव ORP रहेगी तो पानी का कलर चेंज नहीं होगा, नेगेटिव ORP रहेगी तो पानी का कलर पिंक हो जाएगा। अपनी बॉडी के लिए क्या है, नेगेटिव ORP बेनिफिशियल रहती है, जितना माइनस में ORP रहेगा उतना ज़्यादा पानी एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करेगा। ये 2 बूंद डाल के देखते, ये भी पौधे का कलर नहीं चेंज हुआ। अब हम लोग अपनी बॉटल में जो 1 मिनट भी नहीं हुआ है इसका टेस्ट करते दोनों। इसका पीएच पहले चेक करते हैं, इसका पीएच बढ़ गया इमीडिएट विद इन मिनट, ये विद इन मिनट 9.5 पीएच का पानी बन चुका है जी। और इसका ORP चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये ORP -225 इमीडिएट चली जाती है। अब समझो ये जो अल्कलाइन वाटर है उसका बेनिफिट क्या है, ये जो एसिडिटी है समझो बॉडी में, जब अल्कलाइन पानी पीते हैं हम लोग तो क्या करता है उसको एसिडिटी को ख़त्म करके अल्कलाइन बना, तो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो एक हो गया बेनिफिट्स। ये तो पानी की प्रॉपर्टी दो आपको मैंने टेस्ट करके दिखाया। इसके अलावा क्या है, पानी में इसमें 5 तरह के सेरामिक बॉल्स डले हुए हैं। एक तो आपका ORP नेगेटिव करता है, ORP बॉल्स है। दूसरा अल्कलाइन बॉल्स है जो आपका, तीसरा एंटी बैक्टीरियल बॉल्स है। ये पानी बैक्टीरिया फ्री हो चुका है, 96% बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं इमीडिएट। FIR बॉल्स है, वो पानी को पतला करके पानी की टेस्ट को चेंज करता है, मटके के पानी के जैसे बनाता है। उसके बाद आपका इसमें माइफन बॉल्स रहते हैं जो इसमें मिनरल्स ऐड करते हैं, आयरन कैल्शियम, तो वो पानी हेल्दी होगा अपने पीएंगे। बाकी जो पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ चुका है, और भी जो मीटर्स रहते हैं उनसे आप टेस्ट करो बिफोर आफ्टर, हाइड्रोजन का परसेंटेज भी चेंज हो चुका है। ये दो टेस्ट तो इजी थी तो मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी के लिए मीटर चाहिए, हाइड्रोजन का पर PPM चेक करेंगे बिफोर आफ्टर। तो ये 1400-1500 अब इसका मेन और एक बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा, ये जो बॉटल है ये नॉर्मल बॉटल नहीं है, ये ट्राइटन मटेरियल की है। इस पर देखो स्टाम्पिंग भी किया हुआ है, BPA-free ट्राइटन मटेरियल, BPA-free। ये जो BPA-free क्या रहता है, ये केमिकल रहता है BPA, जिससे सस्ती प्लास्टिक कम दाम में बनती है, हार्ड प्लास्टिक कम दाम में बन जाती है। लेकिन ट्राइटन मटेरियल क्या होता है, BPA-free रहने से नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक बन सकते हैं, टॉक्सिक तो मतलब हाँ, जैसे सेलो मिल्टन की बॉटलें क्यों महंगी बिकती है, यही कारण है वो ट्राइटन मटेरियल से बनाते हैं, वो प्लास्टिक नहीं रहता है, ट्राइटन रहता है। अब इसको चेक करना है, ये आपकी BPA वाली है प्लास्टिक की बॉटल है, दिखने में सेम लगती है,
अच्छा सेम, अच्छा वो भी आती की वैसे। हाँ अभी दोनों का टेस्ट करना है तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में क्या फर्क है। ये प्लास्टिक है, इसको गिराती है आवाज देते, ये ट्राइटन मटेरियल है। ये अगर भरी बॉटल भी गिरेगी तो नहीं टूटेगी, तो बॉटल भी टूट जाए। इसके अंदर जो बॉल्स रहते हैं, इसके अंदर चाइनीज बॉल्स है देखो, और ये सिर्फ 40 ग्राम है। अच्छा, हमारी बॉटल के अंदर कोरियन बॉल्स है और वो भी 50 ग्राम से। ये दोनों बॉल्स में डिफरेंस भी देखो, बहुत डिफरेंस है। हमारी बॉटल में विद इन मिनट आपका पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये मेन दिखने में आपको बॉटल सेम लगती है जी, लेकिन बहुत फर्क है। तो इस तरह से आप पानी बना सकते हैं अल्कलाइन। उसके बाद तीन महीने पकड़ लो, 3 महीने या तो 1600 लीटर। हाँ क्योंकि पानी देखो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, पानी रह जाएगा तो वो रिएक्शन चालू रहती है, तो उसकी लाइफ 3 महीने।